नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हाफिज सईद ने शाहरुख खान को दिया पाकिस्तान आने का न्योता। शाहरुख खान को आतंकी हाफिज सईद ने पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। मुंबई हमलों के गुनहगार आतंकी सईद ने ट्विटर पर लिखा कि भारत में अपने धर्म के कारण परेशानी झेल रहे मुसलमान पाकिस्तान आ सकते हैं। सईद ने ट्विटर पर लिखा कि खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे मशहूर भारतीय मुस्लिम भी भारत में अपनी पहचान को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी मुस्लिम, यहाँ तक कि शाहरुख खान, जो भारत में भेदभाव का सामना कर रहे हैं, पाकिस्तान में आकर रह सकते हैं। गौरतलब है कि शाहरुख खान ने अपने 50वें जन्मदिन पर एक कार्यक्रम में देश के माहौल को लेकर चिंता जताई थी। इस बयान के बाद शाहरुख भाजपा नेताओं के निशाने पर आ गए थे। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा कि शाहरुख रहते तो भारत में है पर उनका मन सदा पाकिस्तान में रहता है। उनकी फिल्में यहाँ करोड़ों कमाती है पर उन्हें भारत असहिष्णु नजर आता है। साध्वी प्राची ने भी शाहरुख को पाकिस्तान का एजेंट बताया। पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन रोके पाकिस्तान। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाने को लेकर यह कहते हुए पाकिस्तान पर पलटवार किया कि उसे दूसरे को उपदेश देने से पहले पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन रोकना चाहिए तथा पीड़ितों के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। सांसद रतनलाल कटारिया ने आत्मनिर्णय के अधिकार पर महासभा की तीसरी समिति में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की दूत मलिहा लोधी द्वारा जम्मू कश्मीर को लेकर की गई अवांछित टिप्पणियों को खारिज कर दिया। कटारिया ने कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि कश्मीर और आत्मनिर्णय पर टिप्पणियां एक ऐसे देश से आती है जिसने भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जा जमा रखा है और इस कब्जे वाले क्षेत्र को मानव अधिकार से लगातार वंचित कर रहा है। आप नेताओं ने कहा कि दीपावली पर उपहार देकर शर्मिंदा ना करें। दीपावली के मौके पर दिल्ली के मंत्रियों ने उन्हें उपहार नहीं देने की अपील की है। अपने कार्यालयों के बाहर आप मंत्रियों ने हस्तलिखित अपील चिपकवाई है जिस पर लिखा है कि देवी देवताओं की मूर्तियां समेत दीपावली का उपहार देकर शर्मिंदा मत कीजिए। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी मंत्रियों से अपने विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए अपनी कार्य योजना सौंपने को कहा था।